ये है बॉलीवुड फिल्म जगत के महान अभिनेता, बिलियन कुछ भी कह सकते हैं, सदाशिव जी का घर। यह वही बिल्डिंग है जिसमें सदाशिव जी रहते थे। जैसा कि आप लोग को पता है कि सदाशिव जी फिल्म में ज़्यादातर बिलियन का किरदार निभाते थे और फिल्म में जान डाल देते थे। तो आप देख सकते हैं, सदाशिव जी अंधेरी के वर्सोवा एरिया में रहते थे, जिसमें उनके बिल्डिंग का नाम है पंचधारा बिल्डिंग, जो आपको ये सामने पंचधारा बिल्डिंग दिखाई पड़ रहा है, इसी में सदाशिव जी रहते थे। तो आप देख लीजिए, इसी में सदाशिव जी रहते थे, जो कि बहुत सारी फिल्मों में निगेटिव किरदार निभा के लोगों के दिलों पर राज की थी। चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? आज आप लोग को बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर का घर दिखाने वाला हूँ, जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर सबके दिलों पर राज किया है, जिसका नाम है सदाशिव। इनका जन्म जो है 1950 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2014 में हुई थी, मुंबई में। तो आज आप लोग को इनका घर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। इन्होंने बहुत सारे ऐसे फिल्म की है जिसमें काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है, यानी अपने एक्टिंग के दम पे सबके दिलों पे राज किया है, जिसमें से इनकी फिल्म हो जाती है हम हैं कमाल के, जिसमें हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, और इनका एक और फिल्म है दूध का कर्ज, जिसमें इनका एक बहुत फेमस डायलॉग होता है दुम दबा के, कोई भी बात बोलते हैं कहते हैं दुम दबा के। तो ऐसे बहुत सारे इनके फिल्में हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा दिल को छू गई है। नाग हूँ मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो, फिर ये देश क्या चीज है। और उन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है इनका है सड़क, जिसमें इन्होंने एक हिजड़ा का किरदार निभाया है। तो उसमें आप लोग ने देखा ही है संजय दत्त को किस तरह से परेशान करते हैं, तो काफ़ी अच्छी फिल्म थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनका एक्टिंग भी था उसमें। और एक फिल्म और आया था इनका जिसमें ऐलान, उसमें भी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई थी इन्होंने। और आंखें हो गया, ऐलान हो गया, इश्क हो गया, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने अपने एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया था। तो आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से उनका घर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे वो रहते थे। तो वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर देखना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए उनके घर पे चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। तो थोड़ा और आगे चलेंगे, फिर उनका घर दिख जाएगा वहाँ पे। अभी जहाँ पे मेडिकल का लोगो दिखाई पड़ रहा ना, उसी के पास है उनका घर, तो वहाँ पर चलते हैं फटाफट और आप लोग को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार होगा आप लोग को। तो बस पहुंचने वाले हैं, तो मेडिकल वहां पे है लेकिन घर जो है यहां पे है। ये गेट दिखाई पड़ रहा है ना, यही वाला घर है, ये वाला घर, ये लिखा ना पंचधारा, तो यही वो गेट है। और इधर ये रास्ता आगे चला जाता है, और अभी हम इस साइड से आए हैं। दोस्तों, ये जो आप गेट देख रहे हैं, इसके पीछे जो आपको एक बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है, ये है पंचधारा बिल्डिंग, जो वर्सोवा में पड़ता है, जिसमें बॉलीवुड के महान खलनायक सदाशिव अमरा पुरकर जी रहते थे, जिन्होंने बॉलीवुड में ज़्यादातर इन्होंने बिलियन का किरदार निभाया, यानी निगेटिव किरदार निभाया, और कुछ कॉमेडी भी किए और कुछ पुलिस कमिश्नर जैसे अन्य किरदार भी निभाए। और इनकी जोड़ी सबसे ज़्यादा धर्मेंद्र के साथ पसंद की जाती थी, जिसमें इनके बैक टू बैक बहुत सारी फिल्में आई थी, जिसमें से एक फरिश्ते फिल्म आई थी जिसमें इन्होंने बिलियन का किरदार निभाया था, काफ़ी लाजवाब इस एक्टिंग की थी उसमें। और उसके बाद ऐलान आई थी धर्मेंद्र का, उसमें भी इन्होंने काला के नाम से एक्टिंग किया था, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद किए थे इनके एक्टिंग को। बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में पैदा हुए थे, और इनके पिताजी एक ऑटो चालक थे,
इन्होंने अपने एक्टिंग को कॉलेज के समय से ही स्टार्ट की थी और कॉलेज में ही एक प्रोग्राम की थी जिसमें एक कातिल का किरदार निभाया था, जिसमें लोगों के द्वारा खूब ज़्यादा पसंद किया गया था और खूब तालियां बटोरी थी। तभी से इनका जो रुझान है वो एक्टिंग की तरफ लग गया और ये अपने मन में ठान लिए कहीं ना कहीं कि हम जाएंगे मुंबई और हम भी फिल्म लाइन में काम करेंगे। तो कॉलेज ख़त्म होते ही इन्होंने मुंबई में रवाना की और यहाँ पर आके उन्होंने एक नाटक में काम किया का नाम था कन्यादान। कन्यादान के जो राइटर थे उनका नाम था विजय तेंदुलकर। विजय तेंदुलकर एक फिल्म के स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे जिस फिल्म का नाम था अर्धसत्य। अर्धसत्य में सदाशिव का रामा सेट्ठी का किरदार निभाए जिसमें उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग का अवार्ड भी मिला था। इस फिल्म के बाद उनको मानो ऐसा लगा कि फिल्मों की बारिश हो गई। तो आप ये देख सकते हैं इसी बिल्डिंग में जो ये आप सामने देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में सदाशिव जी कभी रहते थे। तो ये आप देख लीजिए पंचधारा वो बिल्डिंग है जिसमें वो रहते थे जो कि वर्सोवा में पड़ता है। दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और जो भाई नए जुड़े हैं तो प्लीज़ उनसे एक बार और कहना चाहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी होता है और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। और अभी आपने देखा सदाशिव जी का घर, तो अभी उनके घर के पास ही हैं। तो ये पीछे घर है, सामने गाड़ी है, थोड़ा सा और पीछे आ जाता हूँ फिर आप लोग को दिखाते हैं। तो ये है पंचधारा, तो उसी के सामने अभी हम खड़े हैं। तो आप लोग को पूरा वीडियो में दिखा दिया है कहाँ पे किस प्रकार से वो रहते थे किस, और फ्लोर तो नहीं मालूम है, नहीं तो वो भी आप लोग को बता देता क्योंकि वो अभी हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो 2014 में उनका देहांत हो गया था। तो बहुत बड़े और बहुत बेहतरीन एक्टर थे जो निगेटिव रोल करते थे लेकिन मज़ा आ जाता था क्योंकि हर फिल्म में एक हीरो और एक निगेटिव करने वाला रहना ही चाहिए, तभी पिक्चर जाके वो अच्छी होती है। तो अभी हमने इनका घर दिखाया है, तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हमारे साथ हैं अनुज भाई, तो अनुज भाई के ज़रिए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ क्योंकि इन्होंने ही फ़ोन करके बुलाया था मुझे, तो आया हूँ, नहीं तो मैं कहीं और होता, ये आज यहाँ पे शूट कर रहे होते। तो अनुज भाई कुछ बोलिए हमारे दर्शकों को। कैसे हो आप सभी लोग, और बाकायदा सोनू भाई को सपोर्ट करते रहो, इनके चैनल को जल्दी जल्दी सपोर्ट करो, 1 लाख जल्दी करवाओ, बहुत जल्दी बहुत जल्दी यार, बहुत क्योंकि नजदीक ही है। 1 लाख करा दो फिर पार्टी वाल्टी करते हैं भाई, पार्टी वाल्टी करेगा, हमें भी पार्टी फिर चाहिए। जितने भी लोकेशन वाले हैं और जितने भी साथ में रहने वाले हैं सबको बुलाएंगे। बिल्कुल भाई, जल्दी जाओ, सब लोग मिलेंगे, चैनल को बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट और शूटिंग लोकेशन वीडियो आने वाले हैं। अभी तो दूर भी निकलेंगे, अभी मुंबई में है, थोड़ा बाहर भी निकलेंगे, थोड़ा बाहर भी निकलेंगे और जल्द ही बाहर की वीडियो आएंगी और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, हमने ढूंढ के रखा है, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट करते रहना। चलिए मिलते हैं किसी नए लोकेशन के साथ, नए घर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।